जिस माँ के आंचल से जिंदगी भर वो खुश था, खेलता रहा, उसी आंचल की साड़ी को, उसी साड़ी को उन्होंने फंदा बना करके सुसाइड कर लिया। उसकी माँ पे क्या बीती होगी, उसकी बहन पे क्या बीती होगी, उसके भाई पे क्या बीता होगा, उसके घर वाले पे क्या बीता होगा, क्यों बताइए ना, यहाँ पे उसका क्या कसूर था? क्योंकि वो बंदा बेरोजगार था, बेरोजगारी से वो तंग आ चुका था, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। जोहार दोस्तों, सबसे पहले मैं उन सभी अभ्यर्थियों को जो JPSC, JSSC, JTET हो या कोई भी झारखंड के सरकारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, स्कूल लेवल में हो, मैट्रिक में हो या ग्रेजुएशन में हो या ग्रेजुएशन के बाद, जितने भी ये प्रशासनिक या कोई भी एक पद के लिए आवेदन करते हैं, उन सभी छात्रों को ये बोलने के लिए चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में जो मार्म छिपा हुआ है उसको समझिए, क्योंकि ये जो बापू वाटिका के पास जो अभ्यर्थी अमर अनशन पर बैठे हुए हैं, वो एक रूप से हमारे जितने भी सैकड़ों JPSC अभ्यर्थियों के जो मन की बात है उसको यहाँ पर बयां कर रहे हैं। और उनको समझिए और हमारे झारखंड में जो बेरोजगारी समस्या क्या है और उससे जो लोग अपने आप को बलिदान कर रहे हैं JPSC के इस बवंडर में, यानी सुसाइड कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में आपको एक इस वीडियो के माध्यम से चेतना मिलेगी। तो और दोस्तों, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैं तो अभी झारखंड में नहीं हूँ, बाहर हूँ, लेकिन जो भी झारखंड में हैं, अगर उनके द्वारा हो सके तो वो क्या जरूर से ज़रूर इस अभियान को सक्षम बनाने के लिए ज़रूर से ज़रूर रांची पहुँचें और वहाँ पर बहुत मात्रा में योगदान दे के इस अभियान को सफल कराने में योगदान दें। और आप एक चीज़ देखिएगा, गौर कीजिएगा कि पिछले दिनों में एक हज़ारीबाग में हमारे और आपके जैसा एक भाई अब हमारे और आपके बीच नहीं रहा, सुसाइड कर लिया सिर्फ बेरोजगारी के डर से, बेरोजगारी की वजह से। तो क्या आप चाहते हैं कि उसका जो उन्होंने जो प्राणों की त्याग किया, जो सुसाइड किए हैं, क्या और भी आगे चल कर कोई अभ्यर्थी करेगा? तो प्लीज़ आप घर से बाहर निकलिए, उस युवा के लिए बाहर निकलिए। फिर बीच में एक लातेहार का युवा है, JPSC का जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन वो युवा सुसाइड किया है, फिर रांची का एक युवा सुसाइड किया है। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि बाहर निकलिए। अरे कब तक युवा सुसाइड करेंगे? हमने इस सरकार को इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ पे युवा आत्महत्या करेंगे, युवा मरेंगे। ये युवाओं का चुना हुआ सरकार है और ये युवा सरकार है, और इस युवा सरकार में अगर युवा ही आत्महत्या करने लगे तो फिर कैसे क्या होगा? आपको क्या उस दोस्त की आत्मा आपको कचोटती नहीं है जिन्होंने सुसाइड वहाँ पे क्यों सुसाइड किया था? अरे बताइए, कितना कितना दुख का बात है, बताइए कि जिस माँ के आंचल में वो सर रख के सो रहा था, मैं बता रहा हूँ साथियों कि जिस माँ के आंचल में वो सर रख के सो रहा था, उसी साड़ी को उन्होंने, कितना वो तड़पा होगा बताइए ना, कि उसी साड़ी को उन्होंने फंदा बना करके अपने गले में लटका लिया, घूम गया हमारे और आपके बीच से एक साथी ने दम तोड़ दिया। बिल्कुल है, मार्मिक है हम सब के लिए ये बात। जिस माँ के आंचल से जिंदगी भर वो खुश था, खेलता रहा, उसी आंचल की साड़ी को, उसी साड़ी को उन्होंने फंदा बना करके सुसाइड कर लिया। उसकी माँ पे क्या बीती होगी, उसकी बहन पे क्या बीती होगी, उसके भाई पे क्या बीता होगा, उसके घर वाले पे क्या बीता होगा, क्यों बताइए ना, यहाँ पे उसका क्या कसूर था? क्योंकि वो बंदा बेरोजगार था, बेरोजगारी से वो तंग आ चुका था, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो माँ जिंदगी भर तड़पती रहेगी कि मेरे इस साड़ी से उन्होंने सुसाइड किया है। उस साड़ी को देख देख के जिंदगी भर वो रोएगी कि इस साड़ी से उन्होंने सुसाइड किया है। आखिर वो युवा आज हमारे और आपके बीच में नहीं रहा है, क्या आपको थोड़ा सा भी दर्द नहीं आता है कि परिवार के लिए भी आपको मोहमाया नहीं आता है? बेरोजगारी के डर से सुसाइड किया, आज तक से सरकार ने भी उसके लिए क्या किया है? अरे मुआवजा भी नहीं दिया है। वो अपने घर का इकलौता चिराग था, इस पर बहुत सारी उम्मीदें थी कि मेरे घर में नौकरी आएगा, यही बच्चा है जो हमारे लिए एक नया इतिहास रचता, हमारे परिवार को देखता, लेकिन आज वो पूरा का पूरा परिवार अनाथ हो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ साथियों कि बहुत गलत हो रहा है। आप सामने आइए, युवाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सामने आइए साथियों, मुझे हमेशा उन तमाम साथियों की आत्मा कचोटती है, सताती है, रोज सताती है। मैं अपने अंदर के जज्बात को कैसे अंदर कर रख सकता हूँ,
जब इस तरह की चीज़ें सामने आती तो जज्बात बाहर आ ही जाते हैं, उस जज्बात बाहर निकल ही जाते हैं। सभी साथियों से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप सब सामने आइए, ये हमारे और आप ऐसे ही ज़ाया होने मत दीजिए। तमाशा बना के रख दिया है इन लोगों ने कि युवा सुसाइड करेंगे बार बार। आप खुद देखिए ना कि जिस दिन आप अपने घर से चले जाइएगा उस दिन आपके परिवार का क्या होगा, आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा, आपका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। और ऐसे में आज युवा सुसाइड कर रहे हैं, माँ बाप कितने अरमानों के साथ उन्हें पालते हैं, पोसते नहीं, खाते हैं लेकिन खिला खिला के पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उस काबिल बनाते हैं। लड़ना है हमें, हमें जीतना भी है, और ये तभी हो पाएगा जब हम लोग सब यहाँ पे एक साथ जुटेंगे। आप सब सामने आइए, अकेले रहता हूँ तो ये लोग धमक मुझे भी धमकाते हैं, डराते हैं। तो सभी साथियों से अपील है कि आप सामने आइए। मैं आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं तहे दिल से मैं आपका आभारी रहूँगा, ये पूरा झारखंड आपका ऋणी रहेगा। आप सामने आइए, आपके नाम को झारखंड में एक नए युग की शुरुआत की है। हम नया युग चाहते हैं, हम एक बदलाव चाहते हैं साथियों। आप सब मेरे साथ आइए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।